हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे हाथ में है ये फ़ोन जो बहुत फेमस स्मार्टफोन है। यस, और इसका नाम है Redmi नोट 3, जो कि जब से लॉन्च हुआ तब से जो है मार्केट में छाया रहा, लेकिन अब इसका बड़ा भाई जो है वो जो है मार्केट में आ चुका है और वो है Redmi का नोट 4। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि Redmi नोट 4 बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, तो अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Redmi नोट 4 फिलहाल मार्केट में आ चुका है और 23 जनवरी से ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे Redmi नोट 4 और Redmi नोट 3 के बीच में और सारे इसके जो है एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे और साथ में जो है इसके अभी करंट जो कंपटीटर्स हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं ये कोई अनबॉक्सिंग नहीं है लेकिन ये एक डिटेल कंपैरिजन है Redmi Note 4 और Redmi Note 3 के बीच में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यह अनबॉक्सिंग है तो अनबॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अगर हम लुक और फील की बात करें और इसका फिजिकल ओवरव्यू को देखें तो फिजिकल ओवरव्यू में Redmi Note 3 से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अब ये ऑल मेटल बॉडी है, यानी अब ये पूरी तरीके से एल्युमिनियम बॉडी से बना है, इसमें कहीं पर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब इस जो है ये फोन आपका थोड़ा स्लिम हो चुका है, अब इसकी जो थिकनेस है वो है 8.4 mm, तो अब ये पिछले वाले वर्जन से 0.3 mm ज़्यादा स्लिम है। और जो स्पीकर के जो है ग्रिल्स हैं वो बॉटम साइड में पहुंच चुके हैं और आपको दोनों साइड इसके स्पीकर के ग्रिल्स देखने को जो है मिलेंगे और जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो आपको बीच में देखने को जो है मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस में और कोई खास चेंजेस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में जो उसका साइज है वो दोनों का सेम है, 5.5 inch का फुल HD डिस्प्ले दोनों में ही है, लेकिन Redmi Note 4 का डिस्प्ले थोड़ा ब्राइटर ज्यादा है और इसमें आपको 2.5D कर्व जो है ग्लास भी देखने को जो है मिलेगा। तो एक बेटर डिस्प्ले जो कि पहले वाले वर्जन से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। प्रोसेसर की बात करें तो जो पुराना वाला वर्जन Redmi Note 3 है वहां आपको 1.4 GHz का हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन का 650 प्रोसेसर है और अब Redmi Note 4 में एक बेटर प्रोसेसर 625 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 2 GHz का है। तो हो सकता है इस बार हमको थोड़ा सा बेटर जो है बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर मिले क्योंकि जो 625 है ये काफ़ी सारे जो है मतलब फोन्स में ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ जो है लिनोवो का P2 भी जो है 625 प्रोसेसर के साथ ही आता है। वहीं जो चाइनीज़ वर्जन था Redmi Note 4 का उसमें हीलियो X20 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया जो कि एक डेका कोर प्रोसेसर है, यानी कि जो है 10 cores वाला प्रोसेसर और वो एक जो है बेटर प्रोसेसर है जो कि 43% मोर एफिशिएंट है स्नैपड्रैगन के 625 से, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ इंडियन वर्जन में स्नैपड्रैगन का 625 वर्जन ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कैमरा की ओर और कैमरे में इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है 13 megapixel का कैमरा, यानी मेगापिक्सल काउंट को छोड़ते हुए आप कंपनी ने उसको रिड्यूस किया है और इस बार आपको 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको CMOS और BSI सेंसर भी मिलेगा। तो हो सकता है इस बार आपको जो है लो लाइट परफॉर्मेंस वो थोड़ा सा बेटर देखने को जो है मिले। वहीं जो उसका फ्रंट कैमरा है वो F2.0 एपर्चर के साथ आता है और इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि बिल्कुल सेम है पुराने वाले वर्जन से। अब इसमें एक और चीज़ बचती है वो इसका एंड्रॉयड वर्जन, यानी कि इस बार का जो Redmi Note 4 है वो आता है MIUI 8 और एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमेलो के साथ। जो पिछला वाला वर्जन है वहाँ पर एंड्रॉयड लॉलीपॉप अभी तक है, हालांकि MIUI 8 का अपडेट आ चुका है लेकिन जो एंड्रॉयड वर्जन है वो अभी भी सेम है। अब एक और डिफरेंस बचता है वो है इसका बैटरी कैपेसिटी जो कि सेम है, लेकिन ये वाला वर्जन यानी Redmi Note 4 आता है फास्ट चार्जिंग के साथ। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो फास्ट चार्जर है वो केवल 5 volt यानी कि 2 ampere ही सपोर्ट करता है, तो बहुत फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट मत करिए। केवल आपको जो है क्विक चार्ज 2.0 वाली स्पीड मिलेगी, यानी कि इस फोन को पूरी तरीके से कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए अभी भी 2 घंटे का समय लगता है, तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने वाले वर्जन से थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। ये था ओवरऑल ओवरव्यू Redmi Note 4 को लेकर के। अब इसके कंपटीशंस भी देख लीजिए और सबसे पहले जो इसका पहला कंपटीटर मुझे लग रहा है वो है इसका जो है कूल पैड का कूल वन जो आता है डुअल रियर कैमरा के साथ और इसका प्राइसिंग 14,000 रुपये। ऑलमोस्ट ऑल सारी चीज़ें सेम है, तो आप चाहें तो एक बार जो है कूल पैड का कूल जो है वन भी देख सकते हैं। और आगे अगर कंपटीटर्स की बात करें तो लिनोवो P2 भी स्टैंड करता है, हालांकि प्राइसिंग उसका 16,000 रुपये से जो है शुरुआत होती है, लेकिन बैटरी सेंट्रिक अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है और वो भी सेम प्रोसेसर के साथ आता है जो कि स्नैपड्रैगन 625 का है। और आगे बढ़े कंपटीटर्स की लिस्ट में तो मोटो का G4 भी है और लिनोवो का Z2+ एक ऐसा स्मार्टफोन है जहाँ सबसे कम प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसका प्राइस अब कम हो चुका है और अब इसका प्राइस है 14,999 रुपीज़।
तो इस प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन 820 मिलता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और एक फोन और बचता है, वो है ऑनर का 6 प्लस। तो ये थे सारे कंपटीटर्स और एक ओवरव्यू रेडमी नोट 4 के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेडमी नोट 4 कैसा लगा, या आपके मन में कोई सवाल हो रेडमी नोट 4 को लेकर के तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।